एक कप मैंगो पल्प और एक कप दूध पाउडर को मिक्सर में पीस लेंगे हम 10 सेकंड तक। और देखिए ये तैयार है हमारा आइसक्रीम बैटर। इसे मैं ग्लास में रख दूंगी क्योंकि मैं कुल्फ़ी बना रही हूँ, तो इसे 7 से 8 घंटों तक जो है हमें फ्रीज़र में रखना है ताकि हमारी आइसक्रीम रेडी हो जाए। और 7 से 8 घंटों बाद देखिए ये ऐसा लगेगा। अब हमारी आइसक्रीम रेडी है, इसे मैं निकाल रही हूँ ग्लास से, देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।